दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वह जानकारी देने वाला हूँ जो जानकारी भगवान शिव ने पार्वती को दी थी। तो दोस्तों, इतना खास क्यों है यह ज्ञान? क्यों भगवान शिव ने यह मना कर दिया कि अगर आपके प्राण भी संकट में हो तब भी आपको यह आत्मज्ञान किसी और को नहीं देना है? क्योंकि यह ज्ञान इतना परम शक्तिशाली है कि यह आपको जीव से शिव बना देगा। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हमारे अंदर एक जीवात्मा रहता है और हम एक ब्रह्मांड को चलाने वाले को हम परमात्मा के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, इस विज्ञान भैरव नाम के इस ग्रंथ में कुछ ऐसी बातें लिखी गई है कि जो आपके जीव को ही उस शिव से मिला सकती है, यानी कि आपका जीव और शिव में भेद ये सारा खत्म कर दे सकती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस वीडियो में तो इस परम तत्व को कैसे जाना जा सकता है और आप भी अपने जीव को उस शिव से कैसे मिला सकते हैं, उस परमेश्वर की, उस ईश्वर की प्राप्ति आप कैसे कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, उससे पहले अगर आप इस वीडियो में पहली बार हो तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। दोस्तों, शिव जी कहते हैं विज्ञान भैरव नाम के इस ग्रंथ में कि यह प्राण सकार के साथ बाहर निकलता है और हकार के साथ अपने पुनः शरीर में प्रवेश करता है। अर्थात जब प्राण शरीर से बाहर निकलता है तो स की आवाज आती है और प्राण जब भीतर प्रवेश करता है तो ह की आवाज आती है। इस प्रकार प्राण और अपान की गति जब तक चलती रहती है, अर्थात जब तक श्वास और प्रश्वास चलता रहता है, तब तक ही जीव निरंतर हंस संस हंस इस मंत्र का उच्चारण करता रहता है। इस मंत्र का उच्चारण लगभग 24 घंटों में 21,600 बार पूरा हो जाता है। दोस्तों, जब प्राण शरीर से बाहर निकलता है तो अपान के पुनः शरीर में प्रवेश करते वक्त जब बंद हो जाता है, यानी कि हम जब सांस अंदर लेते हैं तब हम अपने मुख से एक भी ध्वनि की आवाज़ नहीं निकाल सकते। आप चाहे तो इसकी कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, मृत्यु के समय यदि आप इस जप के साधक को ध्यान से सुने और अपने प्राण को एकाग्र कर अपने हृदय में स्थित करें तो विज्ञान भैरव में शिव जी कहते हैं कि इससे मृतक को अजीर्ण अनंत जन्मों का पुण्य फल प्राप्त हो सकता है और वो हमेशा हमेशा के लिए इस मृत्यु रूपी मायाजाल से मुक्त हो सकता है, यानी कि उस जीव का परिवर्तन अब शिव में हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस हृदय रूपी भूमि में जहाँ साकार और हकार का सम्मिलन होता है, अर्थात प्राण और अपान मिलता रहता है, उससे जो आनंद उत्पन्न होता है वह महाआनंद कहलाता है। यानी कि जो ईश्वर को नहीं मानने वाले लोग हैं वह भी आज जिंदा है। तो आपको कभी ना कभी ऐसा प्रश्न अवश्य पड़ा होगा कि ईश्वर ने संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड बनाया, लेकिन आज कुछ लोग ईश्वर के खिलाफ जाकर भी कार्य करते हैं, तब भी वो लोग आज जिंदा कैसे? ईश्वर एक क्षण में उन्हें क्यों नहीं मार देता? तो दोस्तों, मैं बता दूं, हम सभी लोग जो जीव है वो अनजाने में उस परम तत्व शिव की ही आराधना कर रहे हैं, उसी के मंत्र का हम जाप कर रहे हैं, ये सब अनजाने में हो रहा है। तो दोस्तों, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जब अपना प्राण अंदर लेते हैं तो स की आवाज़ आती है और जब प्राण हम बाहर देते हैं, यानी कि बाहर छोड़ते हैं, तो ह की आवाज़ आती है और इसी हस को उस परम तत्व परमाकार और निराकार शिव का प्रतीक माना गया है और इसी हस की वजह से हम सब जिंदा है। अगर ईश्वर को नहीं मानने वाले उस मंत्र का जाप करना छोड़ दे जो कि हस है, तो अपनी सांस को रोक सकते हैं तो रोक ले। कुछ ही मिनटों के बाद उनका मृत्यु अटल है, उनकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, यही उस परम तत्व परमकार और निराकार शिव का आत्मज्ञान था। हमें अगर उस परम तत्व को हासिल करना है या उसकी शक्तियों को हासिल करना है या अपने जीव को उस परमात्मा शिव के पास पहुँचाना है, तो हमको भी अपने जीवन में जब भी मौका मिले एक स्थान पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर उस हंस की आवाज़ को सुनना है, अपने सांसों को अंदर आते वक्त और बाहर जाते वक्त देखना है और उससे जो ध्वनि निकलती है उस ध्वनि में हमारा पूरा मन एकाग्र करना है। इससे होगा ये कि हम अनजाने में नहीं, इस बार जानबूझकर उस परम तत्व शिव की आराधना कर रहे हैं और इससे हमें वो सिद्धियाँ मिल सकती है जो उस निराकार शिव ने हमारे भीतर ही छुपाई हुई थी। दोस्तों, हृदय रूपी आकाश में रहने वाली यह सारी शक्तियाँ आपको उत्पन्न करने वाली है।
और इसी शक्ति को परम देवी कहा गया है। यानी कि यह कहना गलत नहीं होगा कि यह हमारा हृदय पूरा एक अंदर ही अंदर एक ब्रह्मांड है और उसमें रहने वाला जीव खुद में ही एक शिव है। लेकिन इस जीव की उस शिव से भेंट करवाने के लिए हमें हस इस नाम के मंत्र का जाप लगातार करता रहना होगा। हम अनजाने में जब तक जाप करेंगे तब तक हम सिर्फ जीवित रहेंगे दोस्तों, लेकिन जब हम जानबूझकर उस शिव की आराधना करने के लिए इस हस मंत्र का जाप करेंगे और ध्यान से इस मंत्र को सुनेंगे तो इस बार हमें शिव की परम तत्व की सिद्धियां प्राप्त हो सकती है दोस्तों। जैसे गौतम बुद्ध को परम तत्व परम सिद्धियां प्राप्त हुई थी, उसी प्रकार एक आम इंसान भी वह सिद्धियां हासिल कर सकता है जिससे जीव और शिव का भेद मिट जाता है, दोनों एक रूप हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने जो वीडियो में बताया वह आप भी कर सकते हैं। आप एक जगह स्थित होकर अपना पूरा ध्यान अपने मन के भीतर अपने हृदय पर स्थित कर अपने आने जाने वाली सांस में हस का मंत्र का आपको उच्चारण करना है और ध्यान से अपने कानों से उस मंत्र की आवाज को सुनना है। लगातार बारंबार अभ्यास करने से आप इसमें पारंगत हो जाएंगे और जल्दी ही आपका जीव शिव से मिलने योग्य हो जाएगा। यही परम तत्व ज्ञान विज्ञान भैरव में महादेव ने पार्वती को दिया था। यही परम तत्व ज्ञान मैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो में यही रुकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।